हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं दिनेश, आप सबका दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो प्रीवियस वीडियो का है, नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में मैंने कुछ छोटे छोटे टर्म को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब बटन आ रही है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ पिछले वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है। पिछले वीडियो में मैंने सर्किल का डिफिनेशन बताया है, सिकेंट बताया है, टेंजेंट बताया है। हालांकि एक आप ही लोग में से एक छात्र, प्यारे छात्र, हमें मेल किए हैं, सर टेंजेंट को एक बार फिर से बता दीजिएगा। बिल्कुल बता रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी टर्म, रेडियस, ये सब लेक्चर नंबर 1 में मैंने कवर कर रखा है। लेक्चर नंबर 2 बेसिकली वो है, वो थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम थ्योरम से रिलेटेड है तो सर्किल चैप्टर का कुछ थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मेनली 5 थ्योरम है आपको सर्किल चैप्टर में पढ़ना। चलिए मैं पहले टेंजेंट के बारे में कुछ बता दूं। टेंजेंट एक सर्किल है, अगर ये सर्किल है आपका, ये सर्किल है, तो वैसा लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे, वैसा पॉइंट जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे, वो क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया। टेंजेंट ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं है जो सर्किल को इंटीरियर से पास करे, ये क्या है? ये टेंजेंट नहीं है, ये क्या है? सिकेंट, SECANT। टेंजेंट वैसा लाइन होता है जो सर्किल को बाउंड्री पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच करे। जैसे ये है ना, एक लाइन ऐसे आएगा जो वन एंड ओनली वन पॉइंट पे टच करे, वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट। बात समझ में आ रहा? देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन सर्किल। सर्किल पे एक और केवल एक ही टेंजेंट पास ड्रॉ किया जा सकता है जो उस पॉइंट से पास करे। अगर ये आपका सर्किल है ना, अगर कोई बाहरी बिंदु ले लेते हैं, मतलब सर्किल के बाहर में कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, टू एंड ओनली टू टेंजेंट। एक ऐसे चला जाएगा, दूसरा टेंजेंट ऐसे चला जाएगा। तो इसी पे थ्योरम पढ़ना है, इसी। There are two tangent drawn from a given point. There is exactly two tangent drawn from a given point. ये CBSE में क्वेश्चन आ भी चुका है 2016 में, ऑब्जेक्टिव में। हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्किल, टू टेंजेंट नहीं। खास करके बात क्या है, ये दोनों का आपस में लेंथ भी, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, दोनों का लेंथ भी इक्वल होता है। इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 1 क्या है? थ्योरम नंबर वन क्या कहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ अ सर्किल
टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस रेडियस थ्रू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये कंप्लीट स्टेटमेंट है कॉन्टैक्ट. प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये आपको प्रूफ करना है. तो मैं थोड़ा बता दूं ये थ्योरम कहता क्या है. नेक्स्ट स्लाइड में कहता एक सर्किल है ना, सर्किल पे जो टेंजेंट है, सर्किल पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट मान लो ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए जो एक और केवल एक ही पॉइंट पे कटेगा, तो कहीं ना कहीं इस सर्किल का एक सेंटर होगा, ये सेंटर. तो इससे जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा ना, इससे जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा रेडियस, वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा. यही प्रूफ करना है ना. तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए दो जानकारी, एक जानकारी, दो जानकारी आपको रहना जरूरी है. फर्स्ट वी मस्ट नो. क्या जानकारी रहना चाहिए? वी मस्ट नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. जो सबसे छोटा सा डिस्टेंस रहेगा ना, वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर हम आपको पूछते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट में दूरी कितना है, यानी डिस्टेंस कितना है, तो आप धराक से बोल दोगे, धराक से ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, एकदम शॉर्टेस्ट लाइन. शॉर्टेस्ट लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर. नहीं, परपेंडिकुलर अगर इसको तुम ऐसे करके टेढ़ा करके ज्वाइन करोगे तो वो थोड़ी होगा. नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज, उसको ऐसे भी बोल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन पे अगर कोई एक पॉइंट है, आउटसाइड पे पॉइंट है, ये बोलते हैं इस पॉइंट से इस पे एक डिस्टेंस ड्रॉ करना है, छोटा सा डिस्टेंस, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा. इट मीन्स क्या आना चाहिए आपको, फिर से मैं बता दूं, क्या आना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर का साइन हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये जो मैंने थ्योरम लिखा है, ये जो थ्योरम लिखा है, प्रूफ डेट द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको ये चीज आना चाहिए. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो कैसा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर ना. तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं. प्रूफ में छोटा छोटा बनाते हैं, छोटा छोटा. देखो एक सर्किल पहले दिया हुआ है ना, एक सर्किल ऐसे करके दिया हुआ. गिवन में क्या लिखोगे? गिवन अ सर्किल विथ सेंटर ओ. सेंटर उसका क्या है? सेंटर ओ है. ओ इसका सेंटर. टू प्रूफ में क्या करना? टू प्रूफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. ये जो तुम्हारा एक टेंजेंट, इस पे ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे करके.
ये जो तुम्हारा ओपी है, ओपी ओपी इज परपेंडिकुलर टू ये ए, इसको नाम दे दो ऐसे करके, इसको पी ना, इस पे परपेंडिकुलर है। तो एक आपको कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, कंस्ट्रक्शन देखिए, तो कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट पी, टेक अ पॉइंट क्यू, सॉरी क्यू ऑन ए बी एज गिवन, जैसे फिगर में दिया हुआ है वैसे ही एक कोई सा पॉइंट ले लीजिए, कौन सा पी, इसको रेड कलर से दिखा देते हैं, कोई आउटसाइड एक पॉइंट ले लिए, वो क्यू है, सॉरी क्यू है ना, और इसको इसको ज्वाइन कर दी, तो ये कहाँ आपको कहीं पे कटेगा उसको नाम आर रखते हैं ना। टेक अ पॉइंट क्यू वन ए बी एज गिवन एंड ज्वाइन ओ बी, ओ और बी को, ओ एंड बी को ज्वाइन कर दिए, लेट इट कट सर्किल एट आर, और वो आर पे कट भी कर रहा है। तो अब प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ में देखिए मैं फिर से यहाँ पे सर्किल बना देता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं सर्किल बना देता हूँ, यही था टेंजेंट ना, ये टेंजेंट था, ये ओपी क्या है, ओपी रेडियस है, जो जो रेडियस ये है, और ये एक दूसरा पॉइंट लिए थे वो क्यू था, ये पी था, इसको इसको ज्वाइन कर दिया ना। हेयर हेयर ओ, इसको नाम ओ है ना, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस, ओ आर प्लस क्या, आर क्यू, तुम बोलोगे आर कहाँ पे, तो आर पीछे फिगर में याद होगा, तो ये पॉइंट आर है। देखो तो रेडियस हमेशा इक्वल होगा, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये, और ये लेंथ क्या है पीला वाला, इक्वल इक्वल है, ऑल्सो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस आर क्यू ना, ओ पी प्लस आर क्यू, अगर हम इसमें देखें तो ओ पी ये और ये इक्वल था किसके, रेडियस के इक्वल, तो ये एग्जाम में नहीं लिखा जाता। अगर हम इसमें से तुम ही देखो तो अगर इस पार्ट को हम हटा दें, इस पार्ट को हटा दें, तो ओ क्यू बड़ा नहीं हो जाएगा ओ पी से ना, मान लो ये तराजू है, ये बच्चे ये चीज बहुत चीज को नहीं समझ में आता, देखो पहले इधर भी इक्वल था, इधर भी इक्वल था ना, इधर 5 kg है और इधर भी 5 kg है ना, तो इधर क्या किए 2 kg हटा दिए तो कितना बचा, 3 kg, तो 3 kg अब हल्का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये भारी हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसी तरह देखो तो इक्वलिटी की तरह, वेइंग मशीन ना, जोखने वाला मशीन की तरह, इसको देखो तो ये ओ क्यू और ये ओ पी, इसको हटा दिए तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला मतलब वजन बढ़ जाएगा, इसका वजन बढ़ गया, ये ऑब्जर्वेशन बहुत बच्चा को नहीं समझ में आता, हालांकि आपको मैं आसानी से समझा दिया हूँ, लेकिन बच्चा को समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, सिंस क्यू लाइज आउटसाइड सर्किल, आउटसाइड सर्किल, ओपी इज शॉर्टर देन, shorter than any other line segment, any other line segment joining O to any point of AB। ए बी पे कोई सा भी पॉइंट लोगे, इस पे और सारा ए है ना, ये ए है और ये बी है, तो ए बी पे कोई सा भी पॉइंट लोगे
तो वो सर्किल के बाहर ही ना, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया तुम, उसके बाद ही वो क्या हमेशा वो क्या सर्किल के बाहर ही लाइज करेगा ना। तो ये आर हो गया, फिर ये आर इसके आर हो गया, तो ये हमेशा ये पार्ट हमेशा रेड वाला पार्ट बता रहे हैं, ये वाला पार्ट हमेशा बढ़ ना जाएगा, ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट बढ़ गया। तो उसी तरह से ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ओ टू एनी पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियरली ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड वी नो क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, इसे शांति वाला कलर से लिख देते हैं, वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर, हेंस प्रूव, हेंस क्या प्रूव हो गया, हेंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट इक्वल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और आप भी हमें इस तरह से इसे आप एक बार और रिव्यू करके देखोगे, लिखोगे, बहुत आसानी से समझना है। खास के इसमें अगर इम्पोर्टेंट है ना ये जोखने वाला तराजू मशीन, इसमें कैसे ये ग्रेटर हो गया मालूम ही नहीं चलता। हालांकि मैं एक बार और बता दूं, जैसे 8 इक्वल टू कितना है 5 + 3 ना, अगर इधर से हम 3 मिटा दें, अब क्या हो गया, अब ये बड़ा हो गया। उसी तरह से OQ इक्वल टू था OP + RQ, ये वाला पार्ट को मिटा दिए तो क्या हो गया OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कभी कल ऐसे भी देता है, प्रूफ डेट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पर रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो कैसे, एट मेल कर सकते हो, इस पे dinesh.spj141@gmail.com। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।